गाइस, क्या आप भी अपने फोन के कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं? उसमें अगर आर एम लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होकर राम लिख उठे। यानी कि गाइस, आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज इंग्लिश में लिखें तो ऑटोमेटिक वह हिंदी में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप इस तरह से कीबोर्ड चाहते हैं अपने फोन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इन तरीके के फॉन्ट वाले जो कीबोर्ड आते हैं वो सभी लोग पसंद भी करते हैं और बहुत ज्यादा इजी भी होता है ये सब यूज करना। तो गाइस, चलिए बिना देरी के आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नॉलेज देता हूँ। यहाँ पर दूसरे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूंगा, जिससे आप लाइव टू लाइव अच्छे तरीके से सीख सके, उसको जान सके। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने जा रहा हूँ और यहाँ पर गाइस स्टार्टिंग से समझिएगा, लास्ट तक समझिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और आपके बगल में दिखना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर एक एक तरीकों को समझिएगा, एक एक ट्रिक को समझिएगा। सबसे पहले मैं WhatsApp में जाता हूँ और इसमें मैं हिंदी टाइपिंग करके अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। उसके बाद ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई भी चीज को इंग्लिश में लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में लिख रहा है। ये तो हर एक के पास होता है, यानी कि हर एक फोन में होता है और ऑटोमेटिक वो फॉन्ट होता ही है, चाहे जो भी फोन का, मतलब जिस भी कंपनी का आप फोन लेंगे तो हर फोन में आपको इस तरह का फॉन्ट मिलेगा। आप ऐसे नॉर्मली इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश लिखी जाएगी। लेकिन अगर मैं यही बात करूं ये हिंदी की, अब देखिए हिंदी लिखेगा। अब यहां पर अब मैं जो भी चीजों को लिखूंगा हिंदी में लिखेगा। अब यहां पर देखिए, राम कैसे हैं। अब यहां पर एक तरफ तो इंग्लिश में लिखा राम कैसे और दूसरी तरफ राम कैसे हिंदी में लिख दिया। तो ऐसे में गाइस, जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक डायरेक्टली क्या करेगा, हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब इसके बारे में बताता हूँ। काफी लोग इसके बारे में जान भी जाएंगे कि ये एप्लीकेशन कौन सा है, लेकिन तब पर भी अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा 100% मालूम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं बैक करके दिखाने वाला हूँ, प्ले स्टोर में आपको जाना है, उसके पूरे सेटअप के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से आपको सेटअप भी करना है। काफी लोग सेटअप भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में भी पूरा इस वीडियो में कन्फर्म ही लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया हूँ इस वीडियो में, कि आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो भविष्य में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, आप दूसरों को की भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देश हिंदी की बोर्ड जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर देश हिंदी की बोर्ड का एक एप्लीकेशन आ जाएगा। वो फॉन्ट इस तरह का होगा आपका, और यहाँ पर मेरा अपडेट भी मांग रहा है क्योंकि काफी समय से मैं इस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया हूँ। यहाँ पर देश हिंदी की बोर्ड है और इसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। मैं अभी अपडेट नहीं करूँ क्योंकि आपको, अगर मैं अपडेट करके दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। तो यहाँ पर अपडेट नहीं करने वाले हैं देश हिंदी की बोर्ड, मैं आपको उसके सेटिंग के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करता हूँ देश हिंदी की बोर्ड। तो यहाँ पर आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं उसको बाद में अपडेट करूंगा। तो एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का फॉन्ट होता है, अगर आप भी ओपन करेंगे तो फॉन्ट इस तरह का ओपन होगा। तो यहाँ पर सेटिंग में जाना है, आपको क्या करना है, उसके कीबोर्ड में जाकर उसके परमिशन को दे देना है, देश हिंदी परमिशन, जो एप्लीकेशन है देश हिंदी का उसका परमिशन दे देना है अपने कीबोर्ड में, तभी आपका ओपन होगा, नहीं तो वही पुराना वाला वर्जन चलता रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉन्ट है, इसमें बहुत सारे सेटिंग दिए गए हैं, थीम का भी ऑप्शन दिया गया है, आप किस तरह से थीम यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर प्रीमियम मेंबर भी दिया गया, आप प्रीमियम लेना चाहते हैं तो प्रीमियम भी ले सकते हैं। पर्सनल डिक्शनरी दिया गया है, आप पर्सनल डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। साथ में नंबर रो का ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस डिले का ऑप्शन है, साथ में कीबोर्ड हाइट का ऑप्शन है, और उसके बाद बहुत सारे इसमें टूल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर होम की बात करूं तो होम में आपको हेल्प का ऑप्शन दिया गया है, थीम का, सेटिंग का, यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है अपने कीबोर्ड के ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पर अगर कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे जाना है, और यहाँ पर देखिए करंट कीबोर्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड तो पहले से सेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको साथ में देश हिंदी कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, वहां पर उसको चूज कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर चूज करके उसको सेट करेंगे, जैसे बैक जाएंगे आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका वही फॉन्ट आ चुका है। देखिए यहाँ पर तो पहले से ही था, यहाँ पर फॉन्ट आ चुका है। इसमें क्या करना है, आप इसमें टाइप करेंगे तो हिंदी में लिखेगा, इसको टाइप हटा देंगे यहाँ से तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं जो भी चीज लिखना चाहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जिसमें, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।